नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर एटीएम लूट की वारदात को लेकर है, जहां सवाई माधोपुर में एटीएम लूट की वारदात का मामला सामने आया है। लुटेरे बुधवार देर रात एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 4-5 लुटेरे एटीएम को रस्सी से बांधते हैं और खींच कर ले जाते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एटीएम को पहले कटर से काटा। थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया कि सारसोप गांव में सिवाड़ मार्ग पर एसबीआई का एटीएम लगा हुआ था। बुधवार रात करीब 1 बजे एटीएम लूट की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। रास्ते में एक संदिग्ध बोलेरो दिखी, उसका पीछा भी किया गया पर वह पकड़ में नहीं आई। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पूरा एटीएम ही गायब था। पुलिस मौके से सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, उसके आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आ रहे हैं। एटीएम में घुसकर एक बदमाश सुरक्षा के सभी उपकरण डिस्कनेक्ट करता है, फिर वह बाहर चला जाता है, फिर दूसरा अंदर आता है और एटीएम को पूरा उखाड़ कर उसे रस्सी से बांध कर रोड की तरफ खींच कर ले जाता है। उसके साथ ही बाहर खड़े रहते हैं। सवाई माधोपुर से एसएफएल टीम को बुलाया गया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उस हिसाब से लुटेरे किसी प्रोफेशनल गैंग के सदस्य लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। लुटेरे को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। उधर बैंक मैनेजर राम रेश मीणा ने बताया कि एटीएम 5 दिन से खराब था। इसका तो सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 12,10,000 के लगभग का टाइम एटीएम हम क्या है, रात में हमारे दिन में तो एटीएम घटते रात रहता है, रात्रि में हम शटर बंद करके जाते हैं। सर यहाँ पे क्या है, छोटी जगह है, इसलिए रात में लेन देन नहीं हो पाता, इसलिए बंद रखते हैं एटीएम। अभी जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और हमने टीम गठित करके उनकी तलाश में रवाना भी की हुई है और संभावना है कि जल्दी से जल्दी इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।